नमस्कार, मैं प्रवीण वाजपेयी अपने YouTube चैनल मिथुन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फाइनली SSC CHSL 2021 की जो फाइनल वैकेंसी है वो रिपोर्ट कर दी गई है और आप सभी एस्पिरेंट के लिए बैड न्यूज़ है कि आपकी 59 जो वैकेंसी है वो डिक्रीज हो गई है। जो वैकेंसी पहले आपकी रिपोर्ट हुई थी, पहले आपकी वैकेंसी 6072 थी, अब इसमें 59 वैकेंसी आपकी डिक्रीज हो गई है, तो ये आपके लिए बैड न्यूज़ है। यानी कि 59 वो बच्चे जिनका सिलेक्शन हो सकता था उनका अब सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो किस में कितनी वैकेंसी डिक्रीज हुई है, PSA की वैकेंसी कितनी डिक्रीज हुई है, LDC में कितनी डिक्रीज हुई है, DEO में डिक्रीज हुई है कितनी, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा अब जो मिनिस्ट्री वाइज वैकेंसी है वो कितनी है, किस मिनिस्ट्री में कितनी वैकेंसी है, उसके बारे में बात करेंगे। तो इससे आपको कहीं ना कहीं पोस्ट प्रेफरेंस में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले चूंकि 59 वैकेंसी डिक्रीज हो गई है, तो जो बच्चे ऑलरेडी सेलेक्ट हैं मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहे आपका CHSL 2020 के थ्रू सिलेक्शन हुआ हो या CGL 2021 के थ्रू सिलेक्शन हुआ हो, कहीं पर भी आप सेलेक्टेड हैं, चाहे रेलवे में NTPC में आपका सिलेक्शन हुआ है या स्टेट लेवल के किसी भी एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन हुआ है, तो प्लीज़ अगर आप CHSL 2021 में भी लाई करते हैं तो इसकी DV को स्किप करिए, जिससे जिन्यून जो बच्चे हैं उनका सिलेक्शन हो सके। आप लोग देख पा रहे होंगे 59 वैकेंसी और डिक्रीज कर दी गई हैं, तो ये आपके लिए बैड न्यूज़ है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप लोग ये देख पा रहे होंगे। सबसे पहले ये देख लो, ये भी रिसेंटली जो रिपोर्ट की गई है वैकेंसी, वो मैं आपको डाटा दिखा रहा हूँ, 28/3/2023 को ये वैकेंसी रिपोर्ट की गई है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कहाँ पे कितनी वैकेंसी डिक्रीज़ हुई है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि किस मिनिस्ट्री में कितनी वैकेंसी रह गई है आपकी। ठीक है, तो अगर हम फाइनल वैकेंसी की बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे जो फाइनल वैकेंसी आपकी रह गई हैं वो 6013 रह गई हैं। ठीक है, 6013 वैकेंसी रह गई हैं, जबकि पहले कितनी थी, 6072 वैकेंसी थी। यानी कि 59 जो वैकेंसी हैं आपकी वो डिक्रीज़ हुई हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ, पहले जो वैकेंसी रिपोर्ट हुई थी वो आपकी कितनी थी, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर 6072 वैकेंसी। ठीक है, यहाँ पर LDC JSA में कितनी वैकेंसी थी आपकी, मतलब 28/3/2023 को रिपोर्ट होने से पहले LDC में 2552 वैकेंसी थी, PSA में 3378 वैकेंसी थी और DEO की 142 वैकेंसी थी। अब कितनी रह गई हैं आपकी, देखो यहाँ पे LDC में आपकी 2494 रह गई हैं और PSA में सेम वैकेंसी है, DEO की एक वैकेंसी कम हुई, यानी कि DEO में एक वैकेंसी आपकी डिक्रीज़ की गई, बाकी LDC में आपकी 58 वैकेंसी डिक्रीज़ हुई, यानी कि टोटल 59 वैकेंसी डिक्रीज़ की गई, बाकी PSA की जो वैकेंसी हैं वो डिक्रीज़ नहीं हुई हैं। तो आपके लिए ये बैड न्यूज़ है कि 59 जो वैकेंसी हैं वो आपकी डिक्रीज़ हो गई हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे ऑलरेडी सेलेक्ट हैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग DV को जरूर स्किप करें, ताकि जो जेन्युइन बच्चा है उसको यहाँ पे सिलेक्शन मिल सके। तो आपको ये पता चल गया कि LDC में कितनी वैकेंसी डिक्रीज हुई है, DO में कितनी डिक्रीज हुई है और PSA में आपकी एज इट इज़ उतनी ही वैकेंसी। अब बात कर लेते हैं कहाँ पर कितनी वैकेंसी हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सी मिनिस्ट्री आपको इजीली मिल सकती है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे जो कैबिनेट सेक्रेटरीट है इसमें 11 वैकेंसी हैं। ठीक है, उसके अलावा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यहाँ पे 13 वैकेंसी, अगर ज़्यादा जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा हैं उसकी अगर हम बात करें तो आप लोग ये देख पा रहे होंगे सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस, जिसमें ज़्यादातर जो ज्वाइनिंग है आपकी वो दिल्ली में होती है, यहाँ पे 68 वैकेंसी हैं। UR में 46 वैकेंसी हैं, OBC में एक भी वैकेंसी नहीं है, SC में 14 वैकेंसी हैं, ST में 2 वैकेंसी हैं, WS में 6 वैकेंसी हैं। उसके अलावा कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यहाँ पर कितनी वैकेंसी, 96 वैकेंसी हैं, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। यहाँ पर UR में कितनी वैकेंसी है, 46। उसके अलावा आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे 68 वैकेंसी यहाँ पे रिकवरी डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल एंड ड्राफ्ट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, यहाँ पे 68 वैकेंसी है। ठीक है, उसके अलावा आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो पोस्ट है आपकी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी, ये पोस्ट केवल और केवल मेल जो कैंडिडेट हैं उनके लिए है, डायरेक्टर जनरल बॉर्डर यानी कि BRO में जो वैकेंसी हैं वो कितनी वैकेंसी आप लोग देख पा रहे होंगे, केवल और केवल BRO। ठीक है, BRO में कितनी वैकेंसी हैं, 610 वैकेंसी हैं, UR में कितनी वैकेंसी हैं, 270। इस वैकेंसी में हाइट क्राइटेरिया होता है तो उसको देख लीजिएगा और आपको ये पोस्ट जो है वो आसानी से मिल जाएगी अगर आपके ठीक ठाक मार्क्स हैं, इसकी कट ऑफ कम रहे क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी आपकी ज़्यादा है। ठीक है, उसके अलावा और आगे बढ़ते हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे सारा कुछ, तो और कहाँ कहाँ पे अच्छी वैकेंसी है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 25 वैकेंसी है, कहाँ पे, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, काफ़ी अच्छी पोस्ट है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ED, यहाँ पे 25 वैकेंसी है, UR की 11 वैकेंसी है, बाकी अदर कैटेगरी की आप देख सकते हैं। उसके अलावा आपकी यहाँ पे IHQ MOD यानी
कि जो सिविलियन मैन पावर प्लानिंग एंड रिक्रूटमेंट इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स, इसमें आपकी 135 वैकेंसी है, ठीक है। उसके अलावा 19 वैकेंसी यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, यहाँ पे अच्छी वैकेंसी, यहाँ पे 41 वैकेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एडमिन, ये भी अच्छी पोस्ट है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। 41 वैकेंसी, उसके अलावा 64 वैकेंसी यहाँ पे हैं ऑफिस ऑफ द JS&CA AFHQ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो ये डिपार्टमेंट है, यहाँ पे इतनी वैकेंसी। उसके अलावा आप लोग देख पा रहे होंगे 171 वैकेंसी कहाँ पे है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, यहाँ पे 171 वैकेंसी है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक आइडिया ये मिल जाएगा कि अगर आपके मान लेते हैं नंबर कम है और आपको मिनिस्ट्री चाहिए तो आप इन पोस्ट को दे सकते हो प्रेफरेंस में पहले, ठीक है। तो आपको ये जो पोस्ट है वो मिल सकते हैं आराम से। उसके अलावा 587 वैकेंसी यहाँ पे हैं, कहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में, ठीक है। उसके अलावा 67 वैकेंसी कहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। उसके अलावा 45 वैकेंसी, बाकी पूरा अगर आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे ये कंप्लीट PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में 45 वैकेंसी हैं, ठीक है। उसके अलावा और आगे बढ़ते हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे 21 वैकेंसी कहाँ पे हैं, नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर में, ठीक है। उसके अलावा आपकी देख पा रहे होंगे 35 वैकेंसी कहाँ पे हैं आपकी, ये तटरक्षक जो वो है इंडियन कोस्ट गार्ड का जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे हैं आपकी 35 वैकेंसी ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज में है, ठीक है। उसके अलावा आप लोग देख पा रहे होंगे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री कम्युनिकेशन, यहाँ पे ये PSA की वैकेंसी की डिटेल दी हुई है, ठीक है। बाकी वैकेंसी आप लोग देख पा रहे होंगे DEO की वैकेंसी, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट इसकी वैकेंसी कितनी है 40, ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इसकी कितनी वैकेंसी है, ये DEO की वैकेंसी है, ठीक है। तो ये टोटल वैकेंसी का चार्ट है और टोटल वैकेंसी आपकी 59 डिग्रीज हो गई है, ये आपके लिए बैड न्यूज़ है। उसके अलावा किस मिनिस्ट्री में कितनी वैकेंसी है वो यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगा, इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा मैं, ठीक है। तो इसको देख के आप पोस्ट प्रेफरेंस अपना दे सकते हैं, अगर नंबर आपके कम है तो आपको कौन सी मिनिस्ट्री चुननी चाहिए, उसके अलावा दिल्ली अगर पोस्टिंग चाहिए तो कौन सी मिनिस्ट्री आपको चुननी चाहिए, उसके लिए मैंने पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग एक वीडियो स्पेशली बना दिया। उसके अलावा अगर कोई भी आपको डाउट है, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, हेल्पिंग हैंड नाम से हमारा जो इंस्टाग्राम है वो है, उसको आप फॉलो कर लेंगे, उस पर अगर आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं अपना तो आपको आंसर मिल जाएगा इजीली। बाकी व्हाट्सएप पे मुश्किल है कि आपको आंसर मिल पाए, तो इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर लीजिए, हेल्पिंग हैंड नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।